कि आज नहीं तो कल असरों के वंशज हारे जाएंगे, आज नहीं तो कल असरों के वंशज हारे जाएंगे, राम विरोधी राम भक्त के हाथों तारे जाएंगे और बालाजी के सेनापति लाठी लेकर तैयार खड़े, बागेश्वर में एक दिन सबके भूत उतारे जाएंगे, सबके भूत उतारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा है। उसी क्रम में आज यहां पर कवियों के बीच एक गोष्ठी का कार्यक्रम रखा जाएगा और हमारे साथ मौजूद हैं गौरव चौहान जी, इनसे हम बात करेंगे, जो काफ़ी टीवियों पर भी आते हैं, काफ़ी बड़े चैनलों पर अपने हास्य के जरिए तमाम ऐसी कविताएं देते हैं कि जो आज भी लोगों को याद हैं और ये वर्तमान में भी कई प्रकार की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जी भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं पेपटेक को, और इस परिवार से बहुत पुराना नाता है। जब पहली बार कवि सम्मेलन में छतरपुर में आया था तो पेपटेक सोसाइटी के कार्यक्रम में भी आया था, लेकिन आज छतरपुर पूरा विश्व के आकर्षण का केंद्र है। सनातन का शंखनाद जो छतरपुर की धरती से हुआ और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो अलग जगाई है, बस उनके इस महायज्ञ में अपनी कविताओं की छोटी सी आहुति देने आए हैं। आप भी सुनिए आज कवि सम्मेलन चैनल का, जो चैनल पे कार्यक्रम आता है आपका, लपेटे में नेताजी। हाँ हाँ, वो लपेटे में नेताजी शो गांव-गांव शहर-शहर देखा जाता है। मेरा सौभाग्य कि मैं भी एक छोटे से गांव से निकला, लेकिन आज मैं इस शो में 222 एपिसोड कर चुका हूं और लोग पहचानते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, बसों में, अच्छा लगता है। आज यहां कवि सम्मेलन है और तमाम हमारी बहनों की शादी कर रहे हैं महाराज जी, इतना बड़ा पुण्य का 155 कन्याओं का। और इस मंच से मैंने हमेशा कहा है कि अब सनातन का विरोध सहा नहीं जाएगा, और जब बागेश्वर धाम में खड़े होते तो चार पंक्तियां मुझे आती हैं कि आज नहीं तो कल असरों के वंशज हारे जाएंगे, आज नहीं तो कल असरों के वंशज हारे जाएंगे, राम विरोधी राम भक्त के हाथों तारे जाएंगे और बालाजी के सेनापति लाठी लेकर तैयार खड़े, बागेश्वर में एक दिन सबके भूत उतारे जाएंगे, सबके भूत उतारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका एक कार्यक्रम है लपेटे में नेताजी, हम चाहते हैं दर्शकों को एक जरूर उसकी चार लाइन सुनाई जाए। देखिए, लपेटे में नेताजी पॉलिटिकल शो है, उसमें हम पार्टी के नेताओं को लपेटते हैं, पैरोडी पढ़ते हैं, जैसे 400 पार अभी चल रहा है सुनाया जाए, और राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है इस पर कुछ दो लाइन जरूर आपकी तरफ से यदि हो। राहुल की यात्रा में नफरत की मात्रा बहुत है, और राहुल को लोग कहते हैं राहुल बाबा, और इनके पास मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत का है ढाबा। और रही बात, एक तरफ चोरों की टोली, एक तरफ चोरों की टोली कुर्सी का अरमान है, दूसरी तरफ देश की सेवा भारत का सम्मान है, एक तरफ घोटालेबाजी काले धन का कुलवा है, दूसरी तरफ दीन दुखियों की चिंता वाला जज्बा है, इसीलिए तो सारी जनता मोदी की आभारी है, इसीलिए तो कहता हूं कि मोदी सब पे भारी है। तो ये थे हमारे साथ गौरव चौहान जी, जो कि खास से कवि भी हैं और नेताओं के ऊपर जो कविताएं लिखते हैं वो आज पूरे देश में इनकी कविताओं को जाना जा रहा है। इस तरह से हम तमाम प्रकार की प्रस्तुति आपको पेपर टाइम के माध्यम से दिखाते रहेंगे। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।